पीएम मोदी और संघ की जोड़ी ने बनाया मेगा प्लान। मोदी और संघ का प्लान 2029, इंडी का गेम ओवर। राहुल इंडी देखते रह जाएंगे, मोदी 2029 भी ले जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटें कम हुई तो बीजेपी का आम कार्यकर्ता पैनिक मोड में आ गया था, लेकिन संघ तब भी संयमित था और आगे की प्लानिंग में जुट गया। हिंदुत्व की विचारधारा के साथ संघ ने अब मल्टी डायमेंशनल सोच के साथ काम करना शुरू कर दिया है और ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे इंडी गठबंधन के होश उड़ जाएंगे। राहुल गांधी देखते रह जाएंगे और पीएम मोदी नेहरू तक को पीछे छोड़ देंगे। संघ का यह प्लान क्या है और कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। हाल ही में केरल में संघ की समन्वय बैठक हुई थी जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। बैठक में भविष्य को लेकर मंथन हुआ और इसी मंथन से निकला वो प्लान जो 2029 की जमीन को तय करेगा। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक चली बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के 300 पदाधिकारी शामिल हुए थे और इसी बैठक से निकला पंच सिद्धांत जिसे भविष्य में लागू किया जाएगा। अब ये 5 पॉइंट्स क्या हैं, जरा ये भी देख लीजिए। पहला, हिंदू धर्म की सभी जातियों में पैठ बनाना जाति जनगणना का मुद्दा। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन के जरिए 30 करोड़ परिवारों तक पहुंचना। तीसरा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जल्दी लागू करवाना। चौथा, संघ की छत्रछाया तले काम करेगी बीजेपी। और पांचवा, संघ और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और लगातार उस पर बात कर रहे हैं। जाति जनगणना पर बीजेपी खुलकर नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अब संघ की बैठक में जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी की दुविधा खत्म हो गई। संघ ने जाति जनगणना के मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि संघ इसके पक्ष में है, लेकिन इसका चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संघ के मुताबिक जातिगत जनगणना के आंकड़े संघ के पास हैं, सरकारी डेटा का इंतजार है, जातिगत जनगणना से हिंदुओं की हर जाति तक आसानी से पहुंच सके। संघ की योजना है कि 2029 तक हिंदू धर्म मानने वाली हर जाति तक पहुंचा जाए और हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी जो मुद्दा पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परेशान करता रहा, उस मुद्दे पर संघ ने बीजेपी की दुविधा खत्म कर दी है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो जाति जनगणना के मुद्दे पर आगे किस तरह से काम करती है। मेरा जो अनुमान है कि जातिगत जनगणना को लेकर के समाज में किसी प्रकार का टकराव ना हो, इसलिए संघ ने अपनी सैद्धांतिक सहमति उस पर दे दी है। बाकी संघ वाले जो सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, सब समाजों में एकजुटता रहे, वो तो ये कहते हैं कि जाति तो छोड़ दीजिए, धर्म भी अगर आपका अलग अलग है तो धर्म से भी अलगाव कोई नहीं होता। संघ के ग्रीन सिग्नल के बाद इंडी गठबंधन के हाथ से जाति जनगणना का मुद्दा निकल जाएगा। पीएम मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, ऐसे में जाति जनगणना पर मोदी सरकार आगे बढ़ती है तो ये बड़ा कदम होगा। जाति जनगणना और हिंदू जातियों तक पहुंच बनाने के साथ ही संघ बहुत बड़े स्तर पर देश में लोगों से कनेक्ट करने जा रही है। इसके लिए कुटुंब प्रबोधन अभियान फिर से एक्टिवेट किया गया है। संघ ने 2013 में कुटुंब प्रबोधन अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के जरिए राम मंदिर के लिए 19 करोड़ हिंदू परिवारों को निमंत्रण दिया गया था। अब इस अभियान का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। संघ का टारगेट है कि देश भर में 30 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाई जाए। परिवारों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना से देश का विकास होगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर लोगों से कनेक्ट किया जाएगा। संघ की सारी प्लानिंग और तैयारी का लक्ष्य 2029 के लिए है। 2029 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभी से काम शुरू हो चुका है। इंडी गठबंधन राज्यों के विधानसभा चुनावों में एकजुटता नहीं दिखा पा रहा है और संघ बीजेपी की सोच 5 साल आगे की है। इसी के तहत एक महत्वपूर्ण पॉइंट संघ ने तय किया है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी महिला आरक्षण को लागू कराने का टारगेट है। संघ से जुड़े 30 से ज्यादा संगठन लगातार महिलाओं के बीच काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले करीब 5.5 लाख महिलाओं से मीटिंग की गई थी। हर लोकसभा क्षेत्र से 1000 महिलाएं इन बैठकों में शामिल हुई
और सभी ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग की थी। 2029 तक अगर संसद में 33% महिला सांसद आती हैं, तो नया इतिहास बन जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए, 30 करोड़ लोगों तक पहुंचने का जो काम टारगेट है, लक्ष्य है, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है। जहां तक मैं समझता हूं, संघ का जो लक्ष्य है वो कोई संख्या पर लक्ष्य नहीं है। दोनों के कार्यशैली में अंतर है। संघ जो है वो सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, संघ राजनीति नहीं करता। भाजपा राजनीति करती है और वो लोगों तक पहुंचती है। जाति जनगणना, हिंदुओं की सभी जातियों तक पहुंचना और महिला आरक्षण, ये तीन मुद्दे आने वाले समय में बीजेपी के एजेंडे में दिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी एक लाइन पर चलती हुई नहीं दिख रही थी। बीजेपी में मुद्दों से भटकाव दिख रहा था, लेकिन संघ की बैठक ने सारे इफ एंड बट खत्म कर दिए और अब पूरा फोकस 2029 के लिए है, जिसके केंद्र में नरेंद्र मोदी है। संघ ये नहीं चाहेगा कि 2014 के बाद से जो जमीन तैयार हुई है वो खिसके। पीएम मोदी हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बात करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और संघ की भविष्य की योजनाओं में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए केरल में 3 दिन तक संघ की समन्वय बैठक में ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और उसमें ये तय किया गया कि संघ और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। इस मुद्दे पर इसलिए विचार किया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि शुरुआत में हम उतने सक्षम नहीं थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब हम सक्षम हैं, आज बीजेपी खुद अपने आप को चलाती है। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला था, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। बीजेपी और संघ के बीच किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, संघ की बैठक में इस पर भी गंभीर चर्चा हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी और संघ में सब ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, सरकार पार्टी चलाएगी और संगठन पर संघ का नियंत्रण रहेगा। बीजेपी में बहुत सारे संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक हैं, सरकार और संगठन में तालमेल बना रहे, इसके लिए संघ समय समय पर सरकार को सुझाव देता रहेगा। देखिए, मोटे तौर पर संघ और भाजपा में ना तो कोई दूरी है और ना कोई पास है। भाजपा का काम करने का एक अपना तरीका है और संघ का काम करने का अपना एक तरीका है। भाजपा में कितने ऐसे लोग हैं जो सांसद हैं, विधायक हैं, एक आध मंत्री भी इस समय हैं, जो संघ को कल तक बहुत जबरदस्त गाली देते थे, खूब गरियाते थे संघ को, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो भाजपा में है। तो भाजपा और संघ में कुछ चीजों को लेकर के जो सैद्धांतिक साम्य है, उस दिशा में भाजपा काम करती है। दैनंदिनी के जो कार्यक्रम है, डे टू डे के जो कार्यक्रम है, जो शासकीय निर्णय है, प्रशासनिक निर्णय है, उसमें संघ कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उनका केवल जो सांस्कृतिक स्वरूप है उसमें वो सुझाव देते हैं और भाजपा उसमें मानती भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और इसका उदाहरण जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां संघ के वरिष्ठ नेता राम माधव का बीजेपी में फिर से ट्रांसफर किया गया है और बीजेपी ने राम माधव को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच पहले से अच्छे संबंध हैं। अब एक बार फिर से बीजेपी के लिए रणनीति बनाने में संघ एक्टिव हो गया है और इस सारी प्लानिंग का केंद्र है 2029 लोकसभा चुनाव। अगर संघ की ये प्लानिंग कामयाब होती है तो पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल जाएंगे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।